हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज के बारे में बताऊंगा। क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज? मतलब कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज होता क्या है? इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक, सेफ्टी का मतलब सूर्य, एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना। मतलब कि जो भी कंपनी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज मतलब कि जो भी दुर्घटना होने वाली है या दुर्घटना होने से पहले हम उसके सुरक्षा के उपकरण या सुरक्षा के कुछ नीतियाँ बनाए, ठीक, इसके बारे में बताऊँ। चलो, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पहली बार, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालिसिस। ओके, तो पहला इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालिसिस रहेगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालिसिस, ओके, एनालिसिस बोल सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज का मतलब होता क्या है? ठीक, तो यहाँ पे कुछ एक डायग्राम छोटा मोटा बना देता हूँ। 1 2 3, ओके, 1 2 3। ये मान लो इसको हम कारखाना रख देते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ इसको, इसको फैक्ट्री लिख देता हूँ, ठीक, इसको कंपनी कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज? पहला इंडस्ट्री, दूसरा, तीसरा, मतलब कि ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री सेफ्टी एनालाइज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। मतलब कि अब चलो समझ लो, पहले वाला में क्या है, दो मशीन है, ठीक, ओके, पहले वाले में दो मशीन है, पहले वाले में, ठीक, पहले वाले में दो मशीन है। फिर दूसरे वाले में हम देखें तो चार मशीन है, ठीक, और तीसरे वाले में देखे तो एक मशीन है। ओके, इसका बनाने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले में दो मशीन, दूसरे में चार मशीन, तीसरे में एक मशीन, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज का मतलब हुआ क्या? इसमें जो भी मशीन है, पहले में क्या है, 1 2, दूसरे में 4, 1 2 3 4, इसमें एक। ओके, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी मशीन है, जिस भी मशीन पे हम काम करते हैं, किसी भी प्रकार की मशीन हो, तो उसे कम से कम हमें दूरी पे काम करना चाहिए। जैसे कि ये मेरी मशीन रही, तो यदि हम, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो कम से कम इतना दूरी मशीन के बीच और इतनी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खतरा हो, खतरा न होने पाए, ठीक, क्योंकि इतनी दूरी पे रहेंगे तो यदि खतरा होने का भी होगा, मतलब संभव होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मशीन से कुछ दूरी पर थे, पर मशीन के इतने नज़दीक आके यदि हम लोग काम करेंगे तो खतरा होने का चांस पूरा बढ़ जाएगा, ठीक, या बढ़ नहीं जाएगा, हो सकता है खतरा, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब यही हुआ कि जो भी मशीन है, 1 2 1 2 3 4 1, जो भी मशीन है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है। मशीन से मतलब कि कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं, 8 से 10 इंच के दूरी पर हमें इतने मिनिमम यहाँ से इतने दूरी पर रह के काम करना है, क्योंकि काम भी करना है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज मतलब कि सेफ्टी, अपने आप की सुरक्षा भी करना है, ठीक। और तीसरा एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करना, एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना होता है। तो यदि आज हम इसको अच्छे तरीके से जान लेंगे कि विश्लेषण होता क्या है, तो ये 2-4 मशीनें जो भी हैं इस पर कैसे काम करें, यदि खतरा होता है, यदि होने का भी है, तो इधर हम लोग ऐसे बाउंड्री भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसा बाउंड्री करके इधर हम लोग अंदर सेफ तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज का मतलब है जो भी मशीन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक, किसी भी प्रकार के मशीन हो, लेथ हो या किसी प्रकार की कटिंग हो या किसी भी प्रकार के, तो वहाँ पे हमें सेफ्टी किस प्रकार रखनी है, उसका विश्लेषण कैसे करना है, सुरक्षा कैसे हमें अपने रखनी है। जैसे PPEs आप लोग जान रहे हैं कि PPEs कि सब लोग मतलब जो भी कहीं भी काम करें, कंपनी, फैक्ट्री, जहाँ पर भी, तो PPEs तो हमेशा मतलब कि परमानेंट पहन के ही काम करना है। जैसे कि कभी ऐसी घटना हो सकती है, घटना घटित हो सकती है, जैसे कि हम लोग के शरीर पर कोई मतलब कि नुकसान ही हो सकता है, तो इसलिए हमें PPEs के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज विश्लेषण करते रहना चाहिए, किस प्रकार खतरा उत्पन्न हो सकता है या कल कैसा हो सकता है, इसलिए आज हमें इससे सुरक्षा लेनी चाहिए, ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कारखाना को, फैक्ट्री, कंपनी, इसमें ज़्यादातर से हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अपने आप को सेफ्टी देना है, अपने आप को सेफ्टी देंगे, उसके बाद मशीन को, उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि दूसरा व्यक्ति, देखो सेफ्टी भी ऐसे 3 हो जाती है, 1 2 3। पहला पहला तो सेल्फ हो गया, ठीक, आइए अदर हो गया,
ठीक। और ये हो गया मशीन की सेफ्टी, मतलब एक पहले अपने सेफ्टी रखो, दूसरे मशीन की, उसके बाद दूसरे लोगों की रखो, ठीक। तो ये सेफ्टी में जाता है, ठीक। तो चलो ज़्यादा नहीं रहेगा, इन्हें से सेफ्टी एनालाइज का मतलब हुआ कि जिस भी कंपनी फैक्ट्री में यदि हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे कैसे कैसे हम अपनी सेफ्टी बना सकते हैं, या इंडस्ट्री एनालाइज विश्लेषण कैसे करें कि मतलब इस मशीन पे हम काम कर रहे हैं तो इस प्रकार के खतरे होने के संभावना या हो सकते हैं, तो कैसे हम इसे हटा सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, तो इस प्रकार का एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि ना मैं ऐसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ जिससे खतरा उत्पन्न ना हो, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनालाइज रहा, ठीक। तो चलो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, छोटा ही वीडियो रहेगा। चलो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना। जय जय भारत, धन्यवाद।